गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी रिपब्लिक डे एवरीवन। और आप मौसम देखो कैसा हो रहा है, ज़बरदस्त ठंडी बनी हुई है अभी भी। मतलब टाइम अभी हो रहा है 12 बज रहा है दोपहर का, लेकिन आप देख सकते हैं फॉग भी हो रहा है। और मतलब पिछले चार दिन क्या बल्कि ऑलमोस्ट एक वीक हो गया, लास्ट ब्लॉग किया था उसके पहले से भी ये मौसम ऐसे ही बना हुआ है और हालत जो है ख़राब है। अब क्या कर सकते हैं, तो है। और लास्ट ब्लॉग में जैसा कि मैंने बोला था कि मैं जाऊंगा इस वीकेंड पर राइड पर, लेकिन आप देख ही सकते हो मौसम कैसा, मतलब बहुत ही बढ़िया हो रखा है, तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है निकलने की। इतने एक हफ्ते से ऐसे मौसम बना हुआ है। और आपको पता ही है मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो अब क्या है फॉग में हुआ था, तो अब क्या है ना, वो बोलते हैं ना जैसे कि क्या बोलते हैं, हाँ, दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, तो वही अपना हिसाब है। तो हम अभी कोई रिस्क नहीं ले रहे, अभी ये सिंक इन होने में टाइम लगेगा अपना जो एक्सीडेंट हुआ था वो। लेकिन ठीक है, मौसम भी ख़राब है तो क्या फ़ायदा, ऐसी ठंड में जाने का मज़ा भी नहीं आएगा, और हो सकता आए भी। लेकिन खैर, अगले वीकेंड पे कुछ सोच रहे हैं, शायद अगर मौसम खुला रहा तो ज़रूर जाएंगे। और राइड तो करनी है हमको छोटी मोटी, और आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाने हैं। फ़िलहाल तो जैसा कि मैंने बताया ठंड हो ही रही है, तो ये जो आप देख रहे थे अभी दो सिलेंडर, वो मैं लेके जा रहा हूँ, उन्हें रिफ़िल कराऊँगा उन्हीं को हीटर में। एक्चुअली इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ नहीं करता, क्योंकि वो एयर ब्लोअर रहता है, वो एयर को जलाते हैं और फिर गर्म हवा फेंकते हैं, उससे क्या मुझे घुटन सी होती है, तो मुझे सूट नहीं करता, घर में किसी को भी नहीं करता वो। पिताजी हमारे वैसे ही अस्थमेटिक हैं, तो उनको दिक्कत होती है। और यहाँ से मुड़ेंगे हम राइट, और राइट में जाएंगे सीधे भी, ये पड़ता है एक छोटा सा कस्बा जिसका नाम है बिलराम। बिलराम में जाके हम भरवाएंगे गैस और उसको रिफ़िल कराएंगे और घर जाएंगे और बढ़िया पूरे दिन दापेंगे, यही करेंगे भाई साहब। ठंड में और करने को होता ही क्या है, देख रहे हो कैसी हालत है। मतलब ठंड का मज़ा है, लेकिन जब भी खिंच जाती है ना, जैसे क्या है, जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं वही समझ सकते हैं, जो जिनको अभी धूप मिल रही होगी उनको नहीं मालूम होगा, एक हफ्ते हो गया हमको धूप देखे हुए ढंग से, तो अब मन है कि विटामिन डी थोड़ा मिले हमको भी। अब देखो कब मिलता है, अभी तो क्या है, हम फटाफट फिलअप कराते हैं, इसमें आधा एक घंटा लग जाएगा। और तो भाई ये आ गए हम बिलराम, ये आप सामने देख ही रहे होंगे जो बिल्डिंग्स चालू हो गई हैं मेन रोड पर, तो यही है बिलराम। हमारे घर से मुश्किल से 3-4 किलोमीटर होगा, तो ऑलमोस्ट पहुंच गया, फटाफट काम कराते हैं फिर आपसे मिलते हैं। वैसे तो मेरा आज का भी प्लान था कि रिपब्लिक डे राइड करूंगा, लेकिन फिर मैंने कैंसिल कर दिया। एक रीज़न तो मैंने आपको बता ही दिया कि ऐसा मौसम था, इसलिए हिम्मत नहीं हुई। और दूसरा रीज़न ये है कि भाई आपका बहुत बड़ा आलसी है, हमेशा एक्सीडेंट पे जो है बात डालना भी अच्छी बात नहीं है। अब क्या है, ठंड ऐसी है ना, तो निकलने का मन नहीं करता। अभी इतनी मुश्किल से ये जो काम था ना, क्योंकि ये ख़त्म हो गया था ठंड के मारे, मजबूरी मुझे निकल के जाना ही पड़ा और भरवाना पड़ा, इसलिए गया था। फिलहाल तो क्या है, पानी गर्म करने रख दिया है, फिर मैं इसके बाद जाऊँगा अपने काम को। भैया काम भी तो ज़रूरी है, तो ऑफिस जाना है मुझे, तो वो नहाऊँ धोऊँ उसके बाद निकलूँगा। ओह ठंड है भाई। और राइड चिंता मत करो, राइड आएंगी, ज़रूर आएंगी, राइड भी आएगी। अभी तो मुझे अपनी गाड़ी का यार वो भी करवाना, उसका भी अपडेट दूंगा। और हाँ, अभी क्या है, मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालने लगा हूँ, लिंक ये इधर ये देख लो, ये आ रहा है, तो इस पर आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। ये मैंने अभी जो है इंस्टाग्राम आईडी बनाई है, तो ये 2021 में बनी है, इसलिए इसका नाम भी PP2021 है। खैर, आप जब तक फॉलो करो और चैनल को जब तक सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक भी कर लो, शेयर भी कर लो, मैं नहा के फिर आता हूँ। थक गए। इस शॉट से पहले जो शॉट देखा मैं सूरज देवता का, वो उतने ही निकले आज, मतलब वो भी शाम को 5 बजे करीब 4 बजे करीब उतने से निकले, उतनी ही लाइट हुई आज। थोड़ी देर निकली धूप तो ठीक है, निकली तो अब होप कर रहा हूँ कल निकले, पर देखो क्या होता है। और फिलहाल तो क्या है, हम वर्कआउट करने आ गए हैं, चेस मार रहे हैं, ठंड अच्छी खासी अभी भी हो रही है, इसलिए पूरा ये
ट्रैक पहन के ही कर रहे हैं, और आजकल थोड़ा सा जो हैवी मारने का सोचा है। तो मैंने जो वेट देख रहे हैं आप मेरे पीछे, तो ये करीब 50 किलो वेट लगा हुआ है। और इतना क्या है, मेरी जो मसल मेमोरी है वो आराम से लेती है, क्योंकि मैं 50 तक बहुत बार किया, तो 50 अगर मैं बहुत दिनों बाद भी करूँ तो आराम से उठाता हूँ। इसके ऊपर का जो वज़न है उसमें थोड़ा मुझे दिक्कत होती है, क्योंकि वो मसल को आदत नहीं है, तो वो मसल को तो आदत है नहीं उसकी, तो वो उठाने में थोड़ी ताकत लगती है। तो इसके बाद वाले जो सेट्स होंगे उसमें थोड़ी दिक्कत होगी, और बाकी जो मसल मेमोरी जो ये सब कह रहा हूँ, सोच रहा हूँ क्या क्या बोल रहा हूँ, तो इतना मैं डिटेल में आपको नहीं बताऊँगा। पर हाँ, मसल की मेमोरी होती है। आपको फिटनेस के बारे में डिटेल में देखना है तो फिट मसल टीवी देखिए, मेरा फेवरेट है और काफ़ी बढ़िया इन्फॉर्मेशन उसमें देते हैं। पर हाँ, फिलहाल तो मैं थोड़ा सा, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट 70-80 kg तक जाऊँ, उससे ज़्यादा जाने की नहीं सोच रहा हूँ। तो वो इसलिए आजकल थोड़ा सा वेट बढ़ा रहा हूँ, नहीं तो उससे पहले 40-50 पे मेरा लास्ट सेट होता था, पर अभी मैं इसके बाद 2 सेट और मारूँगा और आज 60 या 65 तक खींचने की कोशिश करूँगा। देखता हूँ, क्योंकि यहाँ सपोर्ट है नहीं तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेता हूँ। ज़रा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो अपने को इंजरी होगी, क्या फ़ायदा हो। ये लाइट क्या है ना, लाइट ऊपर नीचे हो रही है, तो ये लाइट बार बार कम ज़्यादा हो रही है। तो फटाफट नेक्स्ट सेट मारते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जबरदस्ती जो बहुत ही गर्म होगी, ठंडी हो जाएगी तो दिक्कत होगी, तो फटाफट मारते हैं और उसके बाद आपसे बात करते हैं। लास्ट सेट है 65 केज में, देखते हैं ट्राई करके होता है कि नहीं। देखता हूँ जितना भी मार पाता हूँ। वो भी पूरा पूरा नहीं लगा पाया, तो अभी धीरे धीरे टाइम लगेगा बढ़ने में, क्योंकि मैं ज़्यादा वेट मारता नहीं था। अभी कर रहा हूँ कोशिश, फिलहाल तो क्या सारा वर्कआउट ख़त्म करता हूँ, बार बार इधर उधर जाता हूँ ना, बात करता हूँ आपसे, तो बॉडी जो ठंडी होने लगती है, ऐसे ठंडा मौसम है, तो बातें करेंगे बाद में। अब फटाफट कर लूँ अपना वर्कआउट ख़त्म और फिर बात करता हूँ। तो अपना रिपब्लिक डे जो वर्कआउट था वो फिनिश हो गया, मैंने नाम दिया आज के वर्कआउट का रिपब्लिक डे वर्कआउट। और एक बार आप सबको फिर से हैप्पी रिपब्लिक डे। और अभी बच गया है रात का 9, और आप मानोगे नहीं, अभी से बाहर इतना कोहरा हो गया है, पूछो मत। अगर इसमें दिखा सकता हूँ दिखाता, पर वो मुझे माल में कुछ दिखेगा ही नहीं, तो भयंकर कोहरा हो रहा है। तो कल का दिन भी कोहरेदार होने वाला है, तो आप कुछ कर तो सकते नहीं, उसका होने वाला तो होने वाला, फिर भी भैया ठंड मुझे पसंद है। और आज का वीडियो आप जो है एंड करते हैं, यहीं ख़त्म करते हैं। और आप जो है मुझे कमेंट करिए, अगर ऐसा फिटनेस के बारे में भी कुछ आपको अच्छा लगा आज, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी वीडियोस तो आते रहेंगे और हम इस साल लगे रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, तो हम करेंगे मेहनत, आप करोगे सब्सक्राइब। तो भाई नीचे एक लाल बटन है, बिल्कुल मुफ्त है, फ्री है, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और कमेंट भी करो। आपको जो भी पसंद हो या ना पसंद हो, जो भी है वो मुझे बताओ और कमेंट करो। फिलहाल के लिए वीडियो हैंग करते हुए 9:30 बज गया, मैं जाऊँगा बिस्तर पर और सोऊँगा, कल मुझे थोड़ा सा काम है, तो कोशिश करूँगा फिर से एक और वीडियो जल्दी लाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अलविदा बाय।